साथियों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार, केमछो, सत श्री अकाल, जय भीम और जय शिव राय। साथियों मोनोस्लेट कोबरा, मोनोकोल कोबरा, चंद्रनाग के बारे में हम कुछ विशेष जानकारी देंगे। चूँकि कल लेट नाइट हमने रेस्क्यू किया है और लाइट नहीं होने के कारण वीडियो हमने नहीं बना पाया। तो साथियों मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला, मनुष्य को अपनी ओर यदि खींचने वाला दुनिया में कोई असली चुंबक है तो वो है आपका प्रेम, आपका व्यवहार। आइए हम और आप मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मोनोस्लेट कोबरा चंद्रनाग, ये बहुत ही रियर है, बहुत कम स्टेट में, खास करके उड़ीसा में बहुत ज़्यादा ये दिखता है। हमारे मिर्जा भाई का एरिया में बहुत ज़्यादा ये मिलता है, लेकिन हम लोग इसे हाथ से नहीं छूते हैं क्योंकि ये हर सेकंड बाइट करता है। तो ये जब बाइट करता है तो क्या होता है ये भी सुन लीजिए, वीडियो तो देखबे कीजिएगा। साथियों मोनोस्लेट कोबरा के काटने के क्या लक्षण हैं? डसने के थोड़े समय बाद से जहर का असर दिखने लगता है, डसने के स्थान पर जलन, दर्द एवं फूलना शुरू हो जाता है, आँखों के आगे धुंध छा जाना तथा पलक बंद होने लगता है, सांस लेने में परेशानी तथा आवाज़ में लड़कड़ाहट। देखिए यही है हाईली वेनमस स्नैक, एक जहरीला सांप मोनोस्लेट कोबरा, बहुत ही उम्दा और बहुत ही पावरफुल। देखिए तुरंत ये डस लेता है, एक एक सेकंड में ये काटना इसका नेचर है। चंद्रनाग, चंद्रमा की तरह ये हल्का जहर को भी थूकता है, ये हल्का जहर को भी थूकता है। ये किंग कोबरा की तरह दिखने में लगता है, लेकिन ये हल्का जहर को भी थूकता है। कब ये काट ले ये भी समझना मुश्किल है। तुरंत ये डस लेता है, तुरंत देखते देखते तुरंत बाइट कर देता है। देखिए कहां सांप है, तुरंत आ जाएगा घूर करके। ये बहुत ही जहरीला सांप है, हिंदी में चंद्रनाग, बंगला में यही है केवटे, और खास करके नाजा कॉथिया साइंटिफिक नेम है। देख रहे हैं, इसे आज हमें प्राकृतिक परिवेश में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना है। तो देखा जाए किस तरह फ्री हैंडलिंग ना करें, फ्री हैंडलिंग बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, फ्री हैंडलिंग से दूरी बना लें। देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल है ये सांप। चूंकि इसे हम छूना भी पसंद नहीं करते हाथ से, तुरंत बाइट, एक सेकंड में तुरंत काट लेगा। स्पेक्टिकल कोबरा के अपेक्षा मोनोकोल कोबरा, देख रहे हैं अब इतना उग्र रूप ले लिया है कि ये फन भी फैलाना पसंद नहीं कर रहा है। फन भी नहीं फैलाना है, तुरंत दांत गड़ाने का चक्कर में रहता है। तो साथियों सांप काट ले, ओझा गुनी, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहें, और नहीं तो मारा जाइएगा। जितने भी गांव से हैं, गांव वाले भी हमारे अपने हैं, और आप लोग रात को खास करके मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी का प्रयोग करने से स्नैक बाइट का चांस बहुत कम रहता है। तो दुनिया में अपना कोई नहीं है, दुनिया में अपना कोई नहीं है, बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, और शरीर शमशान की अमानत है, और ज़िंदगी, और ज़िंदगी मौत की अमानत है। तो हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा भारत देश जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। और हम गर्व से कहेंगे, थोड़ा रिलीज का दिखला दीजिए लोगों को, और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, थोड़ा जाने दीजिए, जाने रिलीज का दिखलाते रहिए लोगों को, वंदे मातरम।